प्रदेश कांग्रेस महासचिव केवल सिंह पठानिया ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर कहा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बताए कि कहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम भूमि हस्तांतरित हुई है, इस संबंध में उन्हें श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। रैत में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान केवल सिंह पठानिया ने कहा कि पिछले 10 साल से सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कक्षाएं शाहपुर में संचालित की जा रही थी। ऐसे में हमारी लड़ाई शाहपुर के हकों को लेकर है। हम शाहपुर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कुछ भाग संचालित करने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और सांसद से ये आग्रह करेंगे और बात नहीं मानी तो कांग्रेस न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएगी। केवल सिंह पठानिया ने कहा कि जो निर्णय लिया गया था पूर्व की यूपीए सरकार के समय वो ये था कि केंद्रीय विश्वविद्यालय जिला कांगड़ा में बनेगा और आईआईटी मंडी में बनेगी। पठानिया ने कहा कि शाहपुर के छतड़ी स्थित कॉलेज भवन जहां सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कक्षाएं संचालित की जा रही थी, वहां 8 करोड़ की राशि प्रदेश सरकार ने कॉलेज भवन के निर्माण पर खर्च की थी और इस भवन पर 18 से 19 करोड़ रुपए केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय की ओर से खर्च किया गया है। शाहपुर के कॉलेज भवन के लिए स्थानीय लोगों ने भूमि दान दी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कक्षाएं शाहपुर में संचालित होने से यहाँ शैक्षणिक माहौल बना है। ऐसे में उनकी मांग है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो 61 के लगभग स्कूल स्थापित किए जाने हैं उनमें से 5 से 7 स्कूल शाहपुर में भी संचालित करने की व्यवस्था हो, जिससे यहां का शैक्षणिक माहौल बना रहे जैसा चल रहा है। मैं तो सबसे पहले तो माननीय वाइस चांसलर महोदय और रजिस्ट्रार महोदय से कहना चाहूँगा इस पर कि वो इस पर श्वेत पत्र जारी करें, वो बताएं कि 70% कहाँ वो फॉरेस्ट लैंड जो है उनके नाम पे ट्रांसफर हुई है। दूसरा, अगर कल वो मौके पे गए हैं तो वाइस चांसलर, मेरा जो अपनी इन्फॉर्मेशन है, पार्टी की इन्फॉर्मेशन है कि वहाँ उन्होंने फॉरेस्ट अफसर और वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार, जो कि एक्टिंग वाइस चांसलर और एक्टिंग रजिस्ट्रार है, जिनकी अपनी ही नियुक्तियां जो है संदेह के घेरे में है, उस पर भी हमने एचआर डी मिनिस्टर से इंक्वायरी मांगी है। तो हम ये चाहते हैं कि श्वेत पत्र वो जारी करें और हमारी लड़ाई तो शाहपुर की है, 10 साल शाहपुर के अंदर चली है। हमारी लड़ाई मुख्यमंत्री एचआर डी मिनिस्टर इवन की अनुराग ठाकुर से रिक्वेस्ट करेंगे, एमपी से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर ये नहीं मानेंगे तो हम न्यायालय में जाएंगे। हम चाहते हैं कि कुछ पार्ट जो है वो शाहपुर के अंदर चले, क्योंकि 10 साल यहाँ विश्वविद्यालय चला। माननीय वाइस चांसलर महोदय, आप बहुत बड़े पद पे हैं, वाइस चांसलर कैबिनेट रैंक का और गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ होती है। बिफोर यू स्पीक आपको आपके फंडामेंटल राइट, राइट टू स्पीच और संविधानिक बोलना चाहिए। कभी भी कोई भी चीज़ का निर्णय होता है उसमें कोई भी, अब ये तो नई बात नहीं, कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम, मनरेगा जैसे कार्यक्रम यूपीए बन में आई, तो मनरेगा का हेड अगर मनरेगा कार्यक्रम अगर मनमोहन सिंह तय करते तो ये नीचे तक नहीं पहुंचती। तो वाइस चांसलर महोदय, आप संविधानिक बोलते तो अच्छी बात थी। आपने जो कहा, ऐसा कोई सरकार प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के बीच में नहीं है। अगर है तो आप कैबिनेट हिंदुस्तान की जो कैबिनेट की बैठक हुई उसका श्वेत पत्र जारी कर दो। हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट की बैठक, उसमें वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे। संवैधानिक ये निर्णय लिया गया था कि केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला कांगड़ा के अंदर और आईआईटी मंडी के अंदर। मैं हम तो रोक ही नहीं रहे, ना धर्मशाला ना देहरा में बने, ना हम धर्मशाला देहरा में ले जाएं वो 50% पार्ट 70, हमारा धर्मशाला में ले जाए, वाइस चांसलर का ऑफिस बने, बढ़िया धर्मशाला इस्टेब्लिश हो, हमारा जिले का मुख्यालय। कुल मिलाकर हमारा है कि 8 करोड़ रुपया स्टेट गवर्नमेंट का लगा था, 18-19 करोड़ रुपया केंद्रीय मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का यहाँ लगा है। तीसरा, 10 साल यहाँ के लोगों ने ज़मीन दान दी हुई है और एक शैक्षणिक माहौल बना है। तो हमें चाहते हैं भैया, 61 स्कूल ऑफ थॉट हैं, 5-7-10 स्कूल ऑफ थॉट यहाँ चले, जिससे जो शैक्षणिक वातावरण पिछले 10 सालों से, मैं कहता हूँ मैं जो मानता हूँ सबसे बड़ा मंदिर था मेरे इलाके का सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अगर किसी को कोई मंदिर मानते हैं, सबसे बड़ा मंदिर था मेरे इलाके का। मेरे शाहपुर वासियों को तो इतना दुख हुआ है, जैसे कहता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ हमारा एक सबसे बड़े मंदिर को इन्होंने डिस्टर्ब किया है। तो हमारा अनुराग ठाकुर जी से राजनीति वो कर रहे हैं और मुख्यमंत्री की हमें इंटरवेंशन चाहेंगे। हम नहीं है विरोधी, देरा के अंदर खुले, 50 खुले, 40 खुले, डेंटल कॉलेज खोले, मेडिकल कॉलेज खोले। और एक बात मैं और बताऊँ, अब यही बात आई, इस वाइस चांसलर ने क्या किया है कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी को चिट्ठी लिखी है कि हमारे को ना फार्मेसी कॉलेज चाहिए, ना डेंटल कॉलेज चाहिए, ना मेडिकल कॉलेज चाहिए। ये कैसा हिमाचल प्रदेश का न्याय है? तो बजाय इसके भैया, अगर आप वाइस चांसलर महोदय अनुराग ठाकुर जी, आप कन्विंस करो उन कॉलेजों को देहरा में खोल दो, अगर वहाँ नहीं खोल देते हो, यहाँ जो ज़मीन है वहाँ खोल दो, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मना क्यों कर रहे हैं? तो हमारी तो ये विनम्र प्रार्थना रहेगी कि हमारा यहाँ शैक्षणिक माहौल के साथ साथ थोड़ी हमारी जो सच्चाई है आर्थिक भी
लोगों की जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे फ़र्क पड़ा है, तो वो हमारा लॉजिक है। और इस लॉजिक को लेकर मैं कहीं भी चाहे हाई कोर्ट तक, पहले तो पॉलिटिकली राजनीतिक तरीके से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, नहीं तो मैं हाई कोर्ट तक जाने के लिए तैयार। अगर उनका रवैया ठीक होता तो कैबिनेट में वो ही बैठती हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये जो पेपर जो है रेवेन्यू के पेपर, जो भी पेपर हैं, सारे कैबिनेट में बैठ हो रहे हैं। अगर वो जागी हुई थी तो ये पोजीशन आज साफ पर नहीं खड़ी होती, क्योंकि उसने केंद्रीय विश्वविद्यालय के मैं कहता हूँ स्वाय मेरे केंद्रीय विश्वविद्यालय पे कोई बोला ही नहीं है। इसके पीछे वजह ये इनकी पार्टी का दबाव होगा, भाई हमने साफ पर सिर्फ, इसका मतलब वो अपनी पार्टी के आगे अपने इलाके की बात नहीं रख पा रहे, इतनी कमज़ोर हैं, खड़ा होना पड़ता अपने इलाके के लिए, क्योंकि अल्टीमेट लीडर तो अपने इलाके का है ना, इलाके के लोग रहेंगे तभी वो लीडर रहेगा। तो हमारी विनम्र प्रार्थना है कि अभी भी, क्योंकि बिना बैटिंग के, बिना कैबिनेट की बैटिंग पे ये वाइस चांसलर की स्टेटमेंट आ ही नहीं सकती, तो उसको वो जागना चाहिए और उनको भी बोलना चाहिए।